जब देश का गोदी मीडिया सरकार के बजाय सिस्टम से सवाल उठा रहा है, वो भी कभी कभार और दबी जुबान में, तो गुजरात के स्थानीय अखबार सीधा नाम लेकर सवाल करने का साहस दिखा रहे हैं। वहां के न्यूज़पेपर्स ने कोविड महामारी के मिसमैनेजमेंट और सरकार के डेथ डेटा पर लगातार सवाल खड़े किए हैं। कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। सौराष्ट्र समाचार ने 6 मई को सिर्फ अपने भावनगर संस्करण के 16 पेजेस के न्यूज़पेपर में से 8 पेजेस पर 238 लोगों के लिए शोक संदेश छापा था। पहली नज़र में देखने में ये असामान्य समय की सामान्य घटना लग सकती है, लेकिन एक नज़रिया ये हो सकता है कि अखबार ने कोविड से होती मौतों और सरकारी आंकड़ों के फ़र्क को दिखाने के लिए एक लेख लिखने के बजाय 8 पन्नों में एडिटोरियल छापा है। संदेश अखबार के मुताबिक 25 अप्रैल से 3 मई के बीच गुजरात के 7 बड़े शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, जामनगर में 8,286 लोगों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के साथ किया गया, जबकि गुजरात सरकार के आंकड़ों में ये संख्या मात्र 1,061 ही थी। ऐसे एग्जाम्पल से गुजरात के अखबार भरे पड़े हैं, जिसमें वो मौत के सरकारी डेटा को चैलेंज कर रहे हैं। शायद इन खबरों का भी असर था कि गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और भार्गव करिया की बेंच ने खुद संज्ञान लेकर गुजरात सरकार को कहा, आप जो दावा कर रहे हैं स्थिति उससे एकदम अलग है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। 9 मई को रविवार के संस्करण में गुजरात समाचार ने पहले पन्ने पर हेडलाइन छापी, प्रधानमंत्री 22,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। उसके ऊपर सब हेडिंग में लिखा था कि जब भारतवासी जिंदगी और कोविड से होती मौत के बीच झूल रहे थे, तब हमारा लोक सेवक तानाशाह बन गया था। आगे एक और सब हेडिंग में छापा कि जब रोम जल रहा था, तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। कोरोना के बीच फकीर अपने लिए 1,000 करोड़ का आलीशान घर बना रहा है। लोकल न्यूज़पेपर दिव्य भास्कर ने 11 अप्रैल को अपने अखबार के पहले पन्ने पर ही CR पाटिल का फ़ोन नंबर छापते हुए लिखा कि ये नंबर इंजेक्शन सरकार CR पाटिल का है, जिसको ज़रूरत है वो पाटिल को कॉल करके मांग लें, क्योंकि मुख्यमंत्री रूपाणी ने इस सवाल पर कि पाटिल के पास इंजेक्शन कैसे आया, कहा है कि आप पाटिल से ही पूछ लो। सवाल है कि ये सब कैसे संभव हो रहा है। दरअसल गुजरात में कोविड का कहर और जिंदगियों पर उनका असर असीमित है। आम आदमी की त्राहिमाम के वक्त ये अखबार चुप रहे तो उनकी साख और अस्तित्व का मसला बन सकता है। स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अखबारों को सरकार से भी बचना है और अपनी विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी भी बचाए रखनी है, लिहाजा वो जितना हो सके कर रहे हैं। वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि असलियत ये है कि गुजरात में ग्राउंड पर स्थिति और भी भयावह है, उसका अंश मात्र ही सामने आ रहा है। अब सवाल ये है कि गोदी मीडिया और उत्तर भारत के स्थानीय अखबारों के न्यूज़ रूम में भी अपनी विश्वसनीयता को लेकर ऐसी चिंता है या नहीं, या भस्मासुर होने की होड़ मची है।